हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल नीति लाइफ स्टाइल में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार स्वादिष्ट खिचड़ी, जिसमें मैंने दाल का यूज नहीं किया है, बस कुछ सब्जियों का यूज कर बनाएंगे मसालेदार खिचड़ी, और बहुत जल्दी यह बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं मसालेदार खिचड़ी बनाना। सबसे पहले हम कुकर को गैस पर रखेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, तब इसमें हम 2 तेज पत्ता डाल देंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा छोटा सा डालेंगे, 2 साबुत बड़ी इलायची डालेंगे और 1/2 चम्मच इसमें हम जीरा डालेंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से चटकने लगे, तब इसमें हम 4 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे। अब हम कुछ सेकंड तक सारी चीज को भून लेंगे। अब इसमें हम 1 बड़ा साइज का प्याज काट के डालेंगे और साथ में थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक भी डाल देंगे। इनको भी हम 1 मिनट तक भूनेंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी कटा हुआ आलू डालेंगे और साथ में 1 कटोरी कटा हुआ इसमें हम गोभी डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें हम बीन्स डालेंगे और साथ में इसमें हम 1/2 कटोरी मटर भी डाल देंगे। हमने मार्केट का सफल मटर लिया है, आप ताज़ा हरा मटर भी ले सकते हैं। अब हम सारी सब्जियों को 2 मिनट तक भूनेंगे, जिससे सब्जियों में थोड़ा सा क्रंच आ जाए। अब इसमें हम 2 टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे, साथ में थोड़ा सा सूखा मसाला भी ऐड करेंगे, जैसे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे। मसालों को भी हम सब्जियों में अच्छे से भूनेंगे। अब 2 मिनट तक ढककर मसाले और सब्जियों को हम भून लेंगे। दो मिनट हो गए हैं, हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसमें हम चावल डाल देंगे। चावल हमने 250 ग्राम लिया है और यह छोटे दाने का चावल है। छोटे दाने का चावल खिचड़ी के लिए अच्छा होता है। चावल को मैंने पहले से ही धोकर रखा था। चावल को हम अच्छे से सब्जियों में मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट तक ढक देंगे। 1 मिनट हो गए हैं, अब इसमें हम पानी डालेंगे। हम चावल जितना लिए हैं उसका 3 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से चावल के साथ सब्जी के साथ मिक्स करेंगे। अब इसमें हम 1/2 बड़ा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर को बंद करके 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। 3 सीटी आ गया है, मैंने गैस को बंद कर दिया है। हम कुकर को तभी खोलेंगे जब कुकर से प्रेशर पूरी तरह से रिलीज हो जाए। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हमारा मसालेदार स्वादिष्ट खिचड़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच देसी घी मिलाकर सर्व कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।